कौन? डॉन। अरे मैं तो एक राह चलता मुसाफिर हूँ। मुसाफिर? हाँ बोलिए मुसाफिर, इस राजमहल में आपका क्या काम है? अरे मैंने किसी राह चलते से सुना। क्या सुना? कि आपकी कुछ शर्तें हैं। ये आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन आपने ये कैसे कह दिया? क्या? कि मर्द जात का कोई भी इंसान मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। देखिए परदेसी, अगर आप किसी भूल में हो तो मैं आपको पहले चेतावनी देती हूँ एक बात के लिए, कि आज तक इस राज दरबार के अंदर बहुत से इंसान आए हैं और बहुत से इंसान वापिस जा लिए जूत खा खा गए। मेरी एक शर्त है ये? कि जो मेरे प्रश्न के उत्तर तो दे देगा उसके साथ शादी करवाऊंगी, और अगर उत्तर नहीं दिए तो 5 जूत मार के इस सभा से लज्जित करके निकाला जाएगा। अरे किसी एक राजकुमार को चैलेंज करती। अच्छा, किसी एक राजा को कहती। अच्छा, तो मान लेता। तूने तो पूरी मर्द जात को चैलेंज कर दिया। बिल्कुल, आज तक मेरे राजमहल में बहुत से इंसान आए हैं लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिए। अरे तेरे पर्सन पर्सन कुछ नहीं है, तेरे में अभिमान की बू है। अभिमान? क्यों? तू राजा की लड़की है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिसने अभिमान करा। अच्छा, जिसने घमंड करा उसका बट्ठा गोल होया। क्यों करो या? परे हटले बेसहूर, तू परे हटले बेसहूर। अच्छा, तेरी नगाह है करूर। हाँ, मारे गए वो जरूर जो गरूर करेंगे। क्यों कर मारे गए? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था रावण, लेकिन थोड़ी सी गलती करी। 1 दिन लाग गया कुमुद कमावण, बन में गया जानकी ठावण, था उस रावण का कसूर, थाई रामचंद्र की हूर, लंका कर दी चकना चूर, उड़ता लंगूर फिर गए। अच्छा, गए वो जरूर जो। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसका मतलब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे? अरे तेरे दिमाग में कठिन से कठिन प्रश्न आए। हाँ, ये मत कहना कि ये प्रश्न नहीं थे, कहीं से भी पूछ लेना। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 मैं कर रहा याद जुबानी सू, समझ लिये महाराज मन में वेद व्यास ज्ञानी। अच्छा, तो सुनिए मेरे प्रश्न। प्रश्न सुनूंगा लेकिन बात सुनिए। हाँ, ये बता कि तेरी जो शर्त है उसके ऊपर पूरी उतरेगी क्या? बिल्कुल पूरी उतरूंगी। तूने शर्त रखी थी जो इंसान मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा, हाँ, उसके साथ शादी करवाऊंगी। हाँ करवाऊंगी बिल्कुल। ये मर्दों की जुबान है या मुर्दों की जुबान है? ये मर्दों की जुबान है। बोलिए कालूटेरा है राजकुमारी। अगर ये मर्दों की जुबान है ना, तो आज इस दरबार से डोली उठ के जाएगी। मैं भी तेरे को वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। सुना कैसे? ये दो मेरी बात, ये दो माला नुआ दर रखी है। सुनिए मेरी बात, सुनाओ। सुनिए, ओ पीटू तेरी ने बाज गे अड़े अड़े मानस आए जो लेकिन जिसके पल्ले भगवान का भजन और गुरु की सेवा नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। माता पिता की सेवा बिन
महान नहीं हो सकता, हाँ। साधु संत के भजन बिना सिद्धि ध्यान नहीं हो सकता, वेद शास्त्र पढ़े बिना विद्वान नहीं हो सकता, उस सतगुरु की ठोकर लागे बिना कदे ज्ञान नहीं हो सकता। बता फिर कैसे पर्सन है? सुनिए मेरे पर्सन का नाम है किसने आदत खाने आली खाने आली। फिर कौन पकेरू बिना पाक के कौन मौत बिन काल बता दे, कुड़सा सरवर बिना नीर के कौन वृक्ष बिन डाल बता दे, मैं उसकी गल्ला ब्याह करवाऊं पूरे मेरे सवाल बता दे, फिर कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, मुसाफिर बोलिए मेरे तन में सिंह को। यही प्रश्न थे बस, ये प्रश्न है। अरे ये प्रश्न तो कुछ भी नहीं है, तू मन न्यू मानगी, जो आदमी चेहरे से और कपड़ों से इंसान की कदर जानता है ना, वो इंसान हल्का होता है। अच्छा, एक कैसेट ले आओ, कोई पैसे कैसेट पड़ी पाजा तो एक आम कैसेट है, लेकिन जब टेप रिकॉर्ड में भर के देखते हैं तो पता चलता है इसके अंदर क्या है। अरे गुरु की सेवा की है, अपना सारा पता बता दूं, मैं अपना सारा पता बता दूं राजेंद्र सिंह नाम गुरु का, अपना सारा पता बता दूं राजेंद्र सिंह नाम गुरु का। अच्छा। जिला भिवानी तहसील भिवानी खरक कला है गाम गुरु का, हाँ। रागनिया में तोड़ बैठा हुआ सच्चा माना धाम गुरु का, पर हर मंगल को हम कीर्तन करते करके ना पर नाम गुरु का, हमने गुरुओं की सेवा की है। अच्छा। पंडित लक्ष्मीचंद का सत्संग लिया है राम रहीम की, पंडित लक्ष्मीचंद की कविता ही ली है राम रहीम के सत्संग नहीं लिए, सुन के देख कैसे। ये पूरे त्रे सवाल बता दूं, क्या करवा
आकाश में से बूंद पड़ती है उसको पृथ्वी पे जरूर आना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है धरती बीज रख लेती है उसमें कुछ पैदा नहीं होता। अरे बाढ़ खेत ने खा जाएगी, बाढ़ खेत ने खा जाएगी के चल रहा जोर उखाड़ी का हाँ। और धरती बीज रख लेगी फिर खोट बतावा हाड़ी का। इंद्र देवता ते पर रोजाना ब्रह्मा ने आदत नहाने वाली रात सांझ न सब गरावे उया सवेरा जाने वाली इंद्र राजा सब रसगुल्ला धरती माता खाने वाली हाँ। जीव पखेरु बिना पाक के, जीव पखेरु बिना पाक के नींद मौत बिन काल बता दू। नींद में इंसान मर जाता है लेकिन वहां से सुरती नहीं टूटी इसलिए खड़ा हो जाता है, नहीं तो धरती के ऊपर ऐसी दौलत नहीं है जिसकी वहां से टूट गई उसको जीवित कर दिया हो। भाई वो सोवनिया फिर जाग जा, वो सोवनिया फिर जाग जा जिसकी धुरता टूटी को ना और जिसकी टूटली दरगाह है उस टूटी का फिर बूटी को ना। आज सरोवर बिना नीर के धर्म बरस बिन डाल बता दू, तू ब्याह करवा चाहे ना करवाइये पूरे तेरे सवाल बता दू। राम जगत में एक है और चांद सूरज से दो, मुसाफिर बोलता जा तेरे तन में शीलक। देखिए आपने उत्तर बिल्कुल सही दिए लेकिन न्यू मतरा मानिए कि तेरी शादी पक्की होगी, मतलब तेरी जवान की कोई वैल्यू को नहीं। इवा तो रिश्ता होया है, मेरे और भी पर्सन बाकी है। ओ वादा तेरे भी पर्सन से हाँ और भी पर्सन है, तने तो पिटोकड़ी रांडाली कर दिया ना पुता फेर मार देगा, ये कोई बात होई। ओ वादा करके सदन नहीं आया, नहीं आया वादा करके सदन नहीं आया। मुसाफिर
पूरे हो गए प्रसन्न हो गए। एक बार फिर दोहराइयो कि किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी कड़ी धूप, किस तरिया की अच्छी नगरी, किस तरिया का अच्छा भूप, किसने मांगी रात चांदनी, कौन छुपाना चावे रूप। फिर कुड़ करते हैं दान जगत में, क्या के ब्रेर है भंडार, कुड़ो टैसे कष्ट जगत के, कहां पे जाकर प्रति मार, और तेरा मेरा जब प्या होगा राज्य हो जाएंगे करतार। फिर कौन जगत में जागता और कौन रहा पड़सो, मुसाफिर बोलिए मेरे तन में सिलको। भाई थोड़ा ध्यान करके, क्योंकि गाने वाला कुछ नहीं होता, भगत जी सुनना एक बार, गाने वाला कुछ नहीं होता, श्रोता का दर्जा गाने वाले से 20 गुना ऊंचा होता है। जब गाने वाला स्टेज पे गाता है हाँ। उसके श्रोता उसके भगवान होते हैं, और सच्चा श्रोता चाहे एक हो, गाने वाला पूरी रात उसकी तरफ निकाल देख के निकाल दे, नहीं तो भाई गंदारी ना गांव घेर लिया मूर्ख बेटे जनक है। हाँ। एक बात बताऊं देवी? बताइए। मैं मानता हूं तने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ये तथ्य है। हाँ। नहीं भाई, जागरण देखे होंगे आपने, इसे भजन सुने बिना मौसम के उनसे श्रोता को पाप लगता है। इसे भजन सुने पानी लेन मैं गई, मेरे गेल हो लिया बालाजी, मेरी बाल्टी का चिपट गया, ये प्रमाण का गाना है। उस बकरी ने कोई ना छोटा, उस बकरी ने कोई ना छोटा, याना हो चाहे शाना हो, देवी देवता प्रसन्न हो, जड़ा धर्म ग्रंथ का गाना हो। क्योंकि जब स्टेज के ऊपर कलाकार होता है गंधर्व का रूप हो जाता है, करोड़ रुपए दे के, आप करोड़ रुपए ले रहे हो, करोड़ रुपए दे के गाने वाले बुला सकते हैं, गा नहीं सकते, मालिक का गॉड गिफ्ट है। लक्ष्मीचंद ज्ञान कसोटी, श्री लक्ष्मीचंद ज्ञान कसोटी, गाना कार नहीं से छोटी, ओटी सतगुरु जी की घूर, आजा गावन का सहूर, गुरु खिले हुए नूर में सिंदूर भर गए, और मारे गए वो जरूर जो गरूर कर गए। लेकिन एक बात बताऊं देवी? बताइए। अड़ना, अब तेरे से शादी नहीं करवानी मेरे को। क्यों? अरे मैं तो ये देखना चाहता था कि तू राधा की लड़की है। अच्छा। अरे तेरे को घमंड की बजाय तेरे तू तो दयावान होनी चाहिए, लेकिन चार अक्षर के सीख लिए तू मुसन पागी और दे गांठ पंसारी बन बैठे। अब तेरे से शादी नहीं करवाऊंगा मैं तो, अब तो एक चीज मैं अपने भाईचारे से मांगूंगा। भाईचारा तो चीज मांगेगा, देखियो के मांगेगा यो। बोलो भाई, एक चीज मिलेगी? अरे पैसे नहीं मांगते। अरे पैसे को नहीं मांगा, कलाकार किसी बसर का गुलाम नहीं होता। ओए खुबीज का बच्चा, ओ सर काट लूंगा सड़क का। क्योंकि कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी श्रोता की ताली, इसे बड़ा कुछ नहीं होता। अरे कलाकार किसी वसर का गुलाम नहीं होता भाई बाबू मुंशी जी, यूं बदनाम महफिल में सरेआम नहीं होता, बिके तो प्रेम भी बिक जाए, वरना खरीदने वाले के पास उसका दाम नहीं होता। दिखाऊं भाईचारा? दिखाइए। तेरा भाईचारा नहीं मेरा, अगर मैं मर जाऊं यारो, मरने की बात कह के करता पंडित, अगर मैं मर जाऊं यारो, मेरे सब पे दो फूल चढ़ा देना। चढ़ा देंगे जी, चढ़ा देंगे। अगर मैं मर जाऊं यारो, मेरे सब पे दो फूल चढ़ा देना, अगर ये पूछे मरने की वजह तो बिन आई मौत बता देना, अगर ये पूछे मिलने की जगह तो शमशान का रास्ता बता देना। ए मेरे यारो, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मुझे चार कंधों पे बैठा के इसके घर के सामने से गुजार देना। तन खरक गाम ले जाऊं, कभी नहीं नहीं कर सुनाऊं, तन खरक गाम ले जाऊं, कर नहीं नहीं कर सुनाऊं, कटी कच्ची कच्ची रे हा कर दे मेरी मोटो राखू, राजी राजी रे हा कर दे मेरी मोटो राखू, राजी राजी रे। पालक अच्छा भूप सतपुरुषों की रात चांदनी, और चोर छुपाना सावरू, सतपुरुषों की रात चांदनी, चोर छुपाना सावरू, तन्नी कीर्तन दान जगत में हाँ। तन के भरे रहे भंडार, वेश्या उतर कष्ट जगत के, धर्म राज घर पड़ती मार, चत्र सिंह कहेगी बब्या होगा।
राजी हो के खुद करता सकर सिंह कहे इत ब्याह होगा सजवा ले नैनो कार